بسم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين حسب امام الدعاء امام زمان عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمد فيها طويلا اللهم صل على قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم نارا الصلوات گفتگو اس مقام تک پہنچی ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے متعین کردہ ولایت کو جو نہ مانے تو اولو العزم نبی کا بیٹا بھی ہو تب بھی ہلاک ہو جائے گا، یا لفظ یوں کہوں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تب بھی بد انجام ہوگا، اور اگر کوئی اس ولایت کو مان لے تو وہ عیسائی بھی ہو تب بھی علیہ السلام ہوگا. وہب قلبی علیہ الصلوۃ والسلام عیسائی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اس ولایت کو قبول کر لیا اب علیہ السلام ہے. اب ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدت نساء العالمین. تمام شہیدان کربلا کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ اے شہیدان کربلا آپ پر قربان ہو جائیں، جس میں وہ وہب بھی شامل ہیں کہ جو 17 دن پہلے مسلمان ہوئے، 17 دن پہلے، لیکن وہ مسلمان کے جس کا امام حسین ہے.
लाइक मिलके सलावत भेजें यहां से वहां तक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। मकाम सालबिया पर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवान पहुंचा था तो इमाम ने देखा कि दूर एक खेमा लगा हुआ है। अब इमाम मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, ये मर्ज कर चुका हूं। अच्छा, ये जो हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि हुसैन हिदायत का चराग है, नजात की कश्ती है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हुजूर ने फरमाया कि एक सर्टन जमाने तक, एक मखसूस मुतायन मुद्दत तक हुसैन हिदायत का चराग है, नजात की कश्ती है, ना जब तक ये सारा निजाम तकवीन बाकी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिदायत का चराग है, नजात की कश्ती है। बल्कि एक हदीस है, मैं कभी उसको रेफरेंस के साथ आपको तफसील से सुनाऊंगा कि हत्ता मैदान महशर में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अहले महशर की हजार सफ़े होंगी, 1000। उन हजार में से हम अहले बैत सब मिलाकर एक सफ की शफात करेंगे, 999 की शफात अकेले हुसैन इब्ने अली करेंगे। اللهم صل على سبحان الله। आप जरा गौर फरमाइए कि क्या नेमत उज़्मा अल्लाह सुबहान व तआला ने आपको अता की हुई है। नेमत उज़्मा है वाकई ये, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, ये वो नेमत है कि जिस पर सारी नेमतें तमाम हो जाती, ये वो नेमत उज़्मा। बच्चों के लिए एक मिसाल दो, देखिए माचिस की डिबिया है ना, वो 1 रुपए की होगी शायद, लेकिन अगर उसके अंदर 10 करोड़ का हीरा है तो डिबिया फिर 1 रुपए की नहीं है, वो 10 करोड़ की है। हमारे अपने वजूद की कोई हैसियत नहीं है। हमारे अपने वजूद की कोई हैसियत नहीं है। हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, खाकी खाती इंसान है, लेकिन चूंकि इस 1 रुपये की डिबिया में हुसैन इब्ने अली की विलायत और मोहब्बत है, चूंकि हुसैन की विलायत है, हाँ चूंकि हुसैन के बाबा की विलायत है इस कल्ब में, लिहाजा इस कल्ब की हैसियत, इस वजूद की हैसियत है, हमारे अपने वजूद की हैसियत नहीं। हत्ता इसकी आली तरीन मिसाल आप यही शहीदान करबला की जो ज्यारत आप पढ़ते हैं, अस्सलाम अलैकी अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हलत बिफनाइक, इसका क्या मतलब है? सलाम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहि सलाम आप पर। आपने हजारों मरतबा ज्यारत आशूरा पढ़ी है इंशाल्लाह और पढ़ते रहना चाहिए। खुद जो ज़ियारत आशूरा को 100 दुरूद और 100 लानत के साथ पढ़ने का तरीका है, एक तो वो पूरा तरीका के अल्लाहुम्मा लाना वला ज़ालिमिन ज़लम हक मोहम्मद वाले मोहम्मद वाखिरा ताबिन लहू अला ज़ालिक अल्लाहुम्मा लाना लिसाबत अल्लती जहादत हुसैन व शायात व बायात व ताबात अला क़त्ले अल्लाहुम्मा लानहुम जमीया, इसे 100 मरतबा पढ़ें। लेकिन अगर फकत आखिरी फ़िक्रा अल्लाहुम्मा लानहुम जमीया इसे 100 मरतबा पढ़ लें तो वो ज़ियारत आशूरा का जो पूरा सवाब है, 100 मरतबा वाला जो अमल है वो पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से सलाम अलैकी अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हलत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह बदमा बकित व बकिया लैल व नहार वला जअलहु अल्लाह आखिर अल्लाह मिन्नी लिज़ियारतिकुम, फिर अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, ये फिक्र 100 मरतबा पढ़े। अगर हो सके तो अशरे मुहर्रम हराम में कम अज कम 1 मरतबा इस 100 दुरूद और 100 लानत के साथ आप ज़ियारत आशूरा पढ़े 1 मरतबा कम अज कम। इमाम ने जमानत ली हुई है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इस ज़ियारत को सुना है अपने बाबा से इस जमानत के साथ, कि इमाम बाकर ने कहा कि मैंने इस ज़ियारत को सुना अपने बाबा से इस जमानत के साथ और उन्होंने अपने बाबा यानी खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जमानत के साथ, कि उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम से जमानत के साथ, कि उन्होंने रसूल अल्लाह से जमानत के साथ, कि रसूल अल्लाह ने जिब्रील से सुना, जिब्रील ने अल्लाह से बयान किया। सुभान अल्लाह।
हक ये बनता है यहां से वहां तक एक पुरजोर हुसैनी सलावात भेज दें आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारी गुफ्तगू अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा, नबुव्वत के अहले बैत, नबुव्वत के अहले बैत क्या पंजतन पाक की आखिरी फर्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो जो मैं बात अर्ज कर रहा था कि मिसाल मैंने दी माचिस की डिबिया, उसके अंदर 10 करोड़ का हीरा, मैंने कहा हमारे वजूद की हैसियत नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर हुसैन की मोहब्बत है, उस हुसैन की मोहब्बत की वजह से इस वजूद की हैसियत है। और मैं आपको शहीदान करबला की मिसाल दे रहा था, अस्सलाम वालेकुम अब अब्दुल्लाह के बाद का फिक्रा क्या है, वाल अरवाह हिल्लती हल्लत बेफिनाई, इसका मतलब क्या है, सलाम व इमाम हुसैन पर और उन अरवाह पर, वाल अरवाह कौन सी अरवाह, अल्लती हल्लत बेफिनाइक, वो अरवाह के जो ए हुसैन आपके आस्ताने पर आकर तहलील हो गई, तहलील हो गई, यानी जिनका अपना वजूद खत्म हो गया आपके आस्ताने पर आकर, बस इससे अच्छा और बेहतर लफ्ज हो नहीं सकता था। इसलिए ज़ियारत आशूरा खुद हदीस कुदसी है, अल्लाह सुबहान व तआला का कलाम है, हदीस कुदसी है ज़ियारत आशूरा, इस बात ज़हन में रखिएगा, हदीस कुदसी का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह का कलाम के जो कुरान का हिस्सा ना हो, वो है हदीस कुदसी, यानी है अल्लाह ही का कलाम लेकिन जो कुरान का जुज बन जाए उसे हम कुरान कहेंगे, जो कुरान का जुज ना बन सके उसे आप हदीस कुदसी कहेंगे, है अल्लाह ही की तरफ से। काश मेरी बात पहुंच सके, बस हदीस कुदसी और कुरान में वैसा ही फर्क है जो हुसैन और अब्बास में फर्क है। हुसैन कुरान है, अब्बास हदीस कुदसी है, समझ ले, सुभान अल्लाह। ऐसी रिफअत के जहां सरहद इस्मत मिल जाए, गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहि सलाम, ऐसी रिफअत के जहां सरहद इस्मत मिल जाए, दो कदम आगे बढ़े और इमामत मिल जाए, ये उन अरवाह पे सलाम जो आपके आस्ताने पर आकर फना हो गई, खत्म हो गई। हबीब इब्ने मताहिर इमाम हुसैन सलाम के आस्ताने पर आकर तहलील हो गए। हबीब ने कहा कि मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, जो कुछ है वो हुसैन है। आपको ये उनके वसीयत में मिलेगा, हजरत हबीब ने मज़ार अलैहिस्सलाम जब शहादत का वक्त करीब है तो हजरत मुस्लिम इब्न औसजा की शहादत है और हबीब ने मज़ाहिर उनके साथ हैं, तो दोस्त हैं कूफा में रहने वाले, तो हजरत हबीब ने मज़ाहिर कहते हैं कि ए मुस्लिम इब्न औसजा, अगर मैं ये जानता होता कि मुझे तुम्हारे बाद और कोई लंबी जिंदगी गुजारनी है तो मैं तुमसे कहता तफसील से वसीयत करो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे पीछे मुझे भी आना है, लेकिन अगर दिल में कोई हसरत है, कोई कसक है तो कह दो मुझसे, दिल में ना रखो, वसीयत कर दो। वसीयत करना खुद भी एक कभी वाजिब कभी मुस्तहब अमल है, और तुम्हारी जौजा भी खेमे में है, बच्चा भी है, उनके बारे में कुछ कहना चाहो कह दो। तो हजरत मुस्लिम ने औसजा ने क्या वसीयत की, ना जौजा के लिए कुछ कहा ना बच्चे के लिए, उसका कांपते हुए हाथों को बुलंद फरमाया, इमाम हुसैन सलाम की तरफ इशारा किया, कह हबीब वसीयत ना अपने खानदान के लिए ना बच्चे के लिए, उसी का बेहाजल इमाम, यह है हुसैन के आस्ताने पर आकर फना हो जाना। हाँ मैं वसीयत कर रहा हूं, इस इमाम का साथ नहीं छोड़ना कभी भी, सुभान अल्लाह, इस इमाम का साथ, उसी का बेहाजल इमाम, मैं तुम वसीयत कर रहा हूं इस इमाम के लिए, इनके लिए। तो वहब को इमाम अलैहिस्सलाम ने रोका, क्यों, वहब जब सालबिया के मकाम पर पहुंचे हैं, मैंने कहा अगर विलायत को कबूल कर ले तो ईसाई भी अलैहिस्सलाम है, जहन में आपके जुमला। इमाम उस खेमे के करीब गए, एक बूढ़ी खातून है एक जवान खातून खेमे के अंदर है, इमाम अलैहिस्सलाम अपने इल्म गैब से देखे सब जानते हैं, लेकिन वाकत इस तरह से कि इमाम ने कन्वर्जेशन किया, इमाम ने कहा तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों क्याम किया हुआ है। वो जो बूढ़ी खातून थी जिनका नाम कमर है, वहाब की वालदा, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पानी लेने के लिए गया, यहाँ पानी नहीं है, मेरा बेटा पानी लेने के लिए गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने कदम मुबारक से एक ठोकर मारी, पानी का चश्मा जारी हुआ, कहा जब तुम्हारा बेटा वापस आए तो उससे ये कहना कि मुसलमानों के रसूल का नवासा आया था, हो सके तो मदद के लिए पहुंचे,
मैंने किसी किताब में अब जो जुमला पढ़ रहा हूं कह रहा हूं वह नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा गुमान ये, चूंकि वो क्रिश्चियन है, जब कमर ने ये सुना, वो खुद बूढ़ी औरत है ना, कि अच्छा मुसलमानों के रसूल का नवासा, तो उसने फौरन ये सोचा होगा ये तो वही हुसैन है कि जो मेरे बुजुर्गों के सामने मुबाहले में आया था। हाँ, मुबाहला नजरान के ईसाइयों के साथ हुआ था ना, तो जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मुबाहला हुआ है तो सारे आलम में जहां जहां पर जो क्रिश्चियंस रहते थे, ईसाई रहते थे, उन तक खबर पहुंची कि भाई पंजतन आए थे हुजूर, मुसलमानों के रसूल अपने खानवादे को लेकर आए थे, उनमें हुसैन भी थे। तो यकीनन उसने वहां से वो रिलेट किया होगा कि ये तो वही हुसैन है कि जो उस वक्त उस नबी की गोद में आए थे, इन्होंने कहा है मदद के लिए। अब वही बात, जिंदगी गुजरी है मसीहियत पर, लेकिन हुसैन की नुसरत के लिए नफ्स की तहारत चाहिए, खून की शराफत चाहिए, चाहे कहीं से भी है इंसान, एक लम्हा चाहिए होता है मदद के लिए। सुभान अल्लाह, इंसान बदल जाता है, वाकई बदल जाता है। तो वो पहुंचे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, मुसलमान हुए, अभी अभी इज्तिवाज हुआ था, उसके बाद वहब की शहादत हुई। तो ये क्या है, खुदा की कसम अजीब शहादत है कि ज़ौजा वहब ने आकर यह कहा था कि मौला हुसैन मैं बस इतना चाहती हूं कि जब ये वहब मैदान जंग में जा रहे हैं तो आप इनसे ये वादा लें कि अब ये जन्नत में पहुंचेंगे तो मुझसे पहले ना जाएं जन्नत में, मुझे साथ लेकर जाएं। क्या ज़ौजा की तमन्ना है, हाँ इलाही रिश्ता है ये, इलाही रिश्ता। दुनिया के छोटे छोटे रिश्तों का मामला नहीं है कि जहां पर दुनिया के मामलात में इंसान गुम होकर रह जाए। हाँ खुदा की कसम, आइडियल एक खानवादा है ना, वो ये है। वेस्ट इस वक्त, बगैर एग्जैजुरेशन के मैं कह रहा हूं, फैमिली स्ट्रक्चर तो तबाह बर्बाद हो गया वहां पर। मैं अपनी कम्युनिटीज की बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे इन जनरल बगैर निकाह के नऊजुबिल्ला रहना साथ में, ये बड़ी कॉमन बात हो गई। यानी अब तो जो मामला हो गया कि हम जिंस परस्ती और जो कुछ मामला आगे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो अब तो ये लगता है कि कम अज कम मर्द और औरत साथ में रह रहे हो, चाहे बगैर निकाह के भी रह रहे थे तो वो भी गनीमत थी। अब हालात ये हो गए कि जिस तरह के मामला आगे जा रहे हैं, इस्लाम ने हमें तस्वुर दिया कि काश शोहर और जौजा फकत दोनों एक दूसरे के लिए ना जिए, दोनों मिलकर रजाए परवरदिगार के लिए जिए। हाँ, दोनों एक दूसरे की मददगार हो। तो ज़ौजा वहब ने कहा कि मैं चाहती हूं कि ये उस वक्त तक जन्नत में ना जाए जब तक कि मुझे साथ लेके ना जाए, एक बात। और फिर माँ के सामने उन जालिमों ने वहब का सर काट दिया था, इसकी अपनी तारीख है फिर पूरी। और वहीं पर माँ ने उस सर को चूमा और वहीं पर रख कर कहा कि मैंने हुसैन की बारगाह में फिदिया किया, मैं सर नहीं उठाऊंगी। यहाँ पर 17 दिन पहले मुसलमान होने वाली की कैफियत आप देखें। बात यह कि फकत मुसलमान नहीं हुई है, हुसैन की विलायत को दिल में रख के मुसलमान हुए। हाँ ये मामला है। तो हमें अल्लाह सुबहान व तआला ने दौलत अता की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरा इत्तेबा करे वो मुझसे है। ठीक है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे बुत शिकन, कल मैंने बुतों की थोड़ी सी तारीख पढ़ी थी आपके सामने। अब सारी औलाद इब्राहिम जो अपने आप को कहती रहे कि हम भी इब्राहिम की नस्ल में से हैं, वो सब इब्राहिम ही नहीं है। देखो बुत शिकन कौन है इसमें से। हाँ तो अबू तालिब का बेटा था बुत शिकन, अबू तालिब का बेटा है बुत शिकन। लिहाजा चूंकि बुत शिकनी की है अली इब्न अबी तालिब ने, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने कुरान में कहा कि इब्राहिम कहते थे जो मेरा इत्तेबा करे वो मिन्नियत पर है। इसलिए रसूल अल्लाह ने जब मौला अली को शानों पर बुलंद किया और अली ने बुत तोड़े, तो उस वक्त हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि अली अंत मिन्नी वाना मिनका। वो मिन्नियत की सनद रसूल अल्लाह ने उस वक्त दी कि अली आप मुझसे हैं मैं आपसे हूं, ये मिन्नियत का रिश्ता है। सुभान अल्लाह, किताब अल बुखारी में मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल पे 3 हदीसें। बड़े मोहतात थे वो, 7 लाख हदीसें देखी उन्होंने, और उसमें मौला अली की फजाइल की 3 हदीसें मिली, और वो 3 उन्होंने शामिल कर ली। बहुत एहतियात से काम लिया, 3 हदीसें शामिल हो गई फकत। उसमें एक हदीस मिन्नियत या अली अंत मिन्नी वाना मिन का, ये किताब अल बुखारी में। दूसरी हदीस रायत लाउतियन रायत गदन रजुलन, कल अलम दूंगा। हाय हाय, कल अलम दूंगा। और तीसरी हदीस मंजिलत या अली अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून में मूसा इल्ला नहुला नबी अबादी,
हैं फकत तीन हदीसें, इनमें से एक भी होती है ना तो काफी थी अली को इमाम साबित करने के लिए, एक भी होती तो काफी थी। अल्लाह ने ऐसा इंतखाब करवाया। खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान, हाँ फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान, फबी अय्या आला रब्बकुमा तुकज्जबान। क्या कहने, जी फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सने कहबान, ऐसा इमाम ना अव्वलीन में किसी को नसीब हुआ ना आखरीन में किसी को नसीब हुआ। फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सने कहबान, फबी अय्य आलाए, फबी अय्य आलाए रब्बकुमा तुकज्जबान। एक और आयत पढ़ दूं, आपकी इजाजत है। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, मैं दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम मोमिनीन को दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाह। वो अपने ईमान पर इन्ना लिल्लाह पढ़ ले, जिसके दिल में बुग़्ज़े अली आ जाए। इसलिए और ये बुग़्ज़े अली, मैं इससे मुराद, मैं मिंबर से कह रहा हूं, खुदा शाहिद है मेरी मुराद बरादरान सुन्नत नहीं है। यहां पर वो मौला अली से मोहब्बत करते, एक नासिबी टोला के जिसके दिल में ये ख्याल आए कि हम नऊज़ु बिल्लाह अपने बच्चों का नाम यजीद भी रखें। मौलवी साहब थे ना एक, जो कह रहे थे कि यजीद नाम रखने में क्या हर्ज है। हाँ जुरत करें, बच्चे का नाम रखें, स्कूल जाएगा तो लोग कहेंगे यजीद आ रहा है, और आपको देखकर कहेंगे यजीद का बाप आ रहा है। तो इमाम बुखारी उनको, उन्होंने जो हदीस लिखी उसमें से एक है हदीस मिन्नियत, अली आप मुझसे मैं आपसे हूं। क्यों ये क्यों? हुजूर ने फरमाया इसलिए कि अली बुतशिकन थे। जब अली ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए बुतों को तोड़ा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुरान में जिसका जिक्र है कि जो मेरा इत्तेबा करे वो मुझसे है, तो हुजूर ने उसे दोहराया वहां पर कि अली चूंकि आपने इब्राहिम का इत्तेबा किया बुतशिकनी में, जबकि वो जो बुतशिकनी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उसमें एक बड़ा बुत उन्होंने छोड़ दिया था, जानते हैं, उसके ऊपर कुल्हाड़ा लटका दिया था, और जब वो शहर वाले वापस पलटे उन्होंने देखा सारे छोटे छोटे बुत टूटे हुए, तो ये किसने तोड़े? एक जवान था यहाँ पर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया कि ये बुत किसने तोड़े? कहा वो जो बड़े के ऊपर कुल्हाड़ा लटक रहा है, पूछ लो उससे। ये एक ऐसी बात थी कि वो खुद अपने अंदर रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर हो गया कि हम वाकई किसे हम खुदा मान रहे, किसकी परस्तिश कर रहे हैं कि जिससे हम पूछ भी नहीं सकते। हाँ हमें पता है कि ये अपनी तरफ से हिल भी नहीं सकता, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोड़ दिया था उस वक्त। तो मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त, तारीखों में मिलता है कि बाज़ लोगों से हुज़ूर मुकर्रम ने कहा कि कोई आए, तो चूंकि उन सबको ये खतरा था, एक तो ये कि उनमें से पुराने बाज़ बुत परस रह चुके थे, तो फिर हम अपने हाथों से वो बुत कैसे तोड़ेंगे जिसको हमने पूछते रहे।
दूसरा ये कि अगर हमें पता है कि हमने बुत तोड़े तो रबीआ और मुजर ये जो कबीला है और उसके अंदर बहुत सारी जो शाखें और कबीले हैं इनके जो अपने अपने बुत हैं तो दुश्मनी हमारी नस्लों तक जाएंगी। अली इब्न अबी तालिब से दुश्मनी क्यों है? मौला अली का नहजुल बलागा में फकरा मौजूद है कि मैंने अरब के बड़े बड़े पहलवानों के कलेजों को चूर चीर दिया और रबीआ और मुजर के बड़े बड़े बुतों को पाश पाश कर दिया। तो ये जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैंने ये किया तो अब ये दुश्मनी तो जाएगी रबीआ और मुजर के मानने वालों की, और उसकी जो आल की जो दुश्मनी थी वो मौला अली सलाम तक रही। इसलिए अब यहां सीखने की बात क्या है? एक है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो बुत शिकनी की है, दोष रिसालत पर बुलंद हुए हैं, वो तो क्या ही कहना, हम मौला अली अलैहिस्सलाम के एक अदना से मानने वाले हैं। हाफिज ने फारसी जबान का एक शेर कहा है कि अगर तुम बुत परस्त नहीं भी हो तो ख्याल रखना कि कहीं खुद परस्त ना बन जाओ। ख्याल रखना कि कहीं खुद परस्त ना बन जाओ, इसलिए कि खुद परस्ती भी बुत परस्ती से कम नहीं है। ये जो अंदर के बुत हैं बहुत से, कभी ईगो है, कभी किसी की शोहरत का बुत है, कभी मर्द होने की हैसियत से भी एक बुत है, कभी घर का बड़ा सरबरा होने की हैसियत से, कभी सास के दिल में, कभी बहू के दिल में, इन सारे रिश्तेदारों, ये जो सब मामलात होते हैं क्या है, ये कभी अंदर जो खुद परस्ती है ना, जो मैंने कह दिया वो हो, इन बुतों को हमें तोड़ने की जरूरत है। ये खुद ही हम खुद परस्ती को खत्म करेंगे। बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। नफ्स अम्मारा को अंदर से किसी ने अपने नफ्स को मारा है, उसने अपने सही दुश्मन को मारा है। बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। नहंगो, नहंग कहते हैं बहुत बड़ी मछली को, वेल फिश। नहंगो अजदहाओ शेर नर, मारा तो क्या मारा। इन चीजों को मारने से इंसान बड़ा नहीं बनता। अपने नफ्स को अंदर से जो मारे, हाँ, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। नहंगो अजदहाओ शेर नर, मारा तो क्या मारा। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। लाखों बरस सजदे में है, अंदर अना मारी नहीं, ईगो मारी नहीं, फायदा ही क्या हुआ। फिर अल्लाह ने कहा कि झुको आदम के सामने, कहा नहीं मैं तो इससे बेहतर हूं। वो लाखों बरस के सजदे को काम के नहीं रहे, इसलिए कि सजदे में खाली जाहिर है, दिल से नहीं झुका हुआ इंसान। तो ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। वाह, कन को अल्लाह सुभान व तआला के सामने सजदा रेज हो जाए बस उसके बाद। तो ये सजदा है, यानी नमाज क्या है? नमाज ये है कि अपना पूरा जो मरकज है ना सजदे में, बिलखसूस जरा गौर कीजिएगा, मैं एक बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। नमाज मोमिन की मेराज और सजदा है नमाज की मेराज। किसी ने हुजूर मुकरम से कहा था कि या रसूलल्लाह मैं ख्वाहिश रखता हूं कि जन्नत में आपके साथ रहूं। कितनी बड़ी ख्वाहिश है, जन्नत में एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जैसे जमीन से आसमान तक का फासला है। तो जरूरी नहीं कि जो जन्नत में पहुंच जाएगा वो रसूलल्लाह के साथ ही होगा, लेकिन उसने कहा कि या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं आपके साथ रहूं। आपकी भी सबकी ख्वाहिश है या नहीं है ये? हुजूर ने कहा कि एक तो तकवा इख्तियार करो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, फिर फरमाया कि लंबे सजदे करके मेरी मदद करो इस बारे में कि तुम मेरे साथ रहो, तूले सजदा। तो अल्लाह सुभान व तआला को तूले सुजूद, अगर आप नमाज में तूले सुजूद, जाहिर है कि सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही एक पढ़ेंगे और उसके बाद आप सजदे से सर उठा लेंगे, लेकिन दिन में कम अज कम एक लंबा सजदा करें, यह अपनी आदत में रखें। नमाज आपने खत्म की, उसके बाद सजदे में जाएं, अल्लाह सुभान व तआला से अपनी जबान में गुफ्तगू करें, एक लंबा सजदा कम से कम दिन में। ये हुजूर ने फरमाया कि जब तुम लंबा सजदा करोगे तो फिर तुम मेरी मदद कर रहे होगे कि तुम जन्नत में मेरे साथ हो। और सजदे में जाएं और फर्ज कीजिए कि आपने जाहिर गुनाहों की माफी है, नेमतों का शुक्र है, और अगर इंसान कुछ भी ना कह सके कि सजदे में मौलाना क्या कहूं, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने नेमतों का शुक्र भी अदा कर दिया, जितना मुझे याद आ रही थी मैंने गुनाहों से माफी भी मांग ली। फर्ज कीजिए कि किसी के दिल में है कि मैंने गुनाहों से माफी मांग ली मौलाना साहब, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, आप अल्लाह सुभान व तआला से यही कहते हैं सजदे में कि परवरदिगार अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, यही कहते हैं अल्लाह से, सुभान अल्लाह। तो ये
कुछ उमूर ऐसे हैं कि जो हमें इमाम की विलायत से करीब करते हैं। एक हदीस और ज़हन में आ रही, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के नाम पर एक सलावत भेजेगा, अल्लाहुम्मा सल्ल अला। इमाम और कीजिएगा, किसी ने इमाम से आकर कहा कि मौला हमारे इलाके में शिया बहुत हैं। आप जानते हैं कुछ एरियाज मतलब कराची में भी हैं, कभी फलां इलाके में शिया बहुत ज्यादा है। कहा मौला हमारे इलाके में, कहीं दूर से आया था, कहता मौला साहब हमारे इलाके में आपके बहुत शिया हैं। इमाम ने कहा अच्छा ये बताओ, जो वहां पर गनी है वो फुकरा की मदद करते हैं? तुम कह रहे हो कि बड़े शिया हैं हमारे इलाके में, तो ये तो बताओ कि वो जो फुकरा हैं गनी हैं वो फुकरा की मदद करते हैं? कहते मौला नहीं, ये तो इतना नहीं होता। अच्छा ये बताओ क्या एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं? खाली माली मदद नहीं होती, कई मर्तबा ये जो चैरिटी है ये माली मदद से ज्यादा अफजल और बेहतर है, क्योंकि हम अपना नफ्स मार के किसी को माफ कर रहे हैं। फर्ज कीजिए, खास तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं घर के मामला में, चैरिटी बिगिंस एट होम। कितना खूबसूरत मेरे मौला ने फरमाया है, हमारा जो मौजू है अहले बैत नबुव्वत ही से आगे नहीं बढ़ पा रहा, वरना मुझे खुज़ानुल इल्म व मुंतहल हिल्म पे भी बात करनी है। इल्म का खजाना है अहले बैत, हिल्म की इंतहा अहले बैत। मौला अली ने फरमाया है कि तुम अपने दोस्त के लिए, और यहां पर आप शरीक हयात भी शामिल कर लें क्योंकि वो भी एक दोस्त की तरह, तुम अपने दोस्त के लिए अगर कोई गलती करे और वो उज्र पेश करे तो उज्र कबूल कर लो। एक तो ये फरमाया, नहीं इससे आगे अली ही कह सकते थे, क्या उज्र कबूल कर लो और अगर कोई वो उज्र पेश ना कर सके तो एक उज्र उसके लिए तलाश कर लो। हाय हाय हाय, मैं कुर्बान अपने मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम पर, क्या उज्र तलाश कर लो, क्या हिल्म की इंतहा है। अलबत्ता इसका मिसयूज भी को ना करना शुरू कर दे, क्या मौला ने फरमाया है कि उज्र कबूल करो और उज्र नहीं करो तो उज्र तलाश करो। अब मैं कुछ भी करता रहूं, हर चीज की एक हद होती है, हर चीज के लिए सिरात मुस्तकीम है। इमाम ने कहा कि तुम कह रहे हो कि हमारे इलाके में शिया बहुत हैं तो क्या एक दूसरे को माफ करते हैं? उसने कहा कि नहीं मौला ऐसा भी नहीं है, कम है। इमाम ने फरमाया कि बस फिर ना कहो कि तुम्हारे इलाके में हमारे बहुत शिया हैं। खाली शिया आबादी बना लेने से कोई शिया नहीं हो जाता। हाँ वो किरदार, इमाम ने कहा कि ये किरदार है उसका या नहीं है, सुभान अल्लाह। यहां से वहां तक एक मिलकर हुसैनी हैदरी सलवात भेजेगा इस सिफत को हासिल करने के लिए इंशाल्लाह। एक नारा हैदरी की इबादत अंजाम दे दीजिएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में जितनी तादाद में मोमिनीन आप इससे बेहतर सलवात भेज सकते हैं शायद। देखना तो ये है इस विलायत को मानने का मतलब, अहले बैत नबुव्वत से कुर्बत का मतलब ये सारी सिफात को अपनाना है। ठीक बात मैं तमाम कर रहा हूं आहिस्ते आहिस्ते, इस खातिर है कि हुजूर मुकर्रम ने एक सही प्योर स्ट्रीम दिया कि देखो मेरे बाद यहां से जब जुड़े रहोगे अली से तब वो खालिस दीन मिलेगा। मिसाल पेश कर चुका हूं कि अगर कोई लोमड़ी से दीन लेगा तो समझेगा कि मुर्गियां चुराना भी एक इबादत है। अली इब्न अबी तालिब से दीन लोगे तो वैसा दीन है कि जैसे रसूलुल्लाह से तुम्हें मिलेगा। आपको याद है थोड़े दिनों पहले की बात है, एक मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे थे, उनके कंधे पर बिल्ली आ गई थी, बड़ा वायरल हुआ था, क्या है मुसलमान मौलाना के कंधे पर बिल्ली सबको नजर आ जाती है, रसूल के कंधे पर मौला नजर नहीं आता। इतने वायरल माशाल्लाह, क्या कहने ह्यूमन राइट्स और ये सब कुछ माशाल्लाह, क्या ही बात है। मौलाना के कंधे पर बिल्ली वो हर मुसलमान को याद है। नहीं मैं तो वाकई हारमोनी की बात करते हुए कह रहा हूं कि जब बिल्ली का इतना हक है और इतना एहतराम रखा गया तो जो अशरफ मौजूदात है ना, उसने अमीरुल मोमिन कायदुल कुर्रिल मुहज्जलीन को अपने शानों पर बुलंद किया, क्या ये याद रखने के काबिल शय नहीं है।
सुभान अल्लाह, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में, पर नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। तो वो जो विलायत का ऐलान था, वहां से सारा दीन है और प्योर दीन है वो। ये बात ज़हन में रखिएगा, बात को कल इंशाल्लाह यहां से और आगे बढ़ाएंगे। ये अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद का सदका है। चार औलादें थी अबू तालिब की, चार औलादें यानी चार बेटे, तालिब, अकील, जाफर, अली। इस तरतीब में देखें, तालिब जो थे ना, जिनसे उनकी कुनियत है अबू तालिब, उनके लिए मिलता है कि जब जंग बदर हुई तो वो मुसलमानों के हक में शायरी कर रहे थे, उनका एक खास हद तक मकाम है। फिर अकील का एक मकाम है, अकील का मकाम हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि मुझे अकील से मोहब्बत है दो मोहब्बतों की वजह से। ये हदीस में हुजूर ने कहा, एक तो ये कि अबू तालिब को अकील से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि मुझे आज अकील के फर्जंद का जिक्र करना है शहादत की मंजिल पर, तो मैं तमीद बना रहा हूं, तो अकील से मोहब्बत है मुझे। इसलिए हुजूर ने फरमाया हुब्बैन, दो मोहब्बतों की वजह से, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरे चाचा अबू तालिब मोहब्बत करते थे अकील से। यह अल्लामा मजलिसी ने लिखा, यह खुद ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर दलील है कि हुजूर ने कहा कि मेरी मोहब्बत ताबे है अबू तालिब की मोहब्बत के, कि चूंकि अबू तालिब अकील से मोहब्बत करते थे लिहाजा मैं करता हूं मोहब्बत। क्योंकि जब कहत आया था ना, तो उस वक्त लोग अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बच्चों को अपने अपने घर ले गए थे, क्योंकि फख्र का जमाना था। तो मौला अली को जैसे रसूलुल्लाह ले गए, इस तरह से जाफर को कोई ले गया, अकील को किसी को नहीं दिया था अबू तालिब ने, अकील के लिए कहा था कि मैं पालूंगा खुद। तो खास हजरत अबू तालिब को मोहब्बत अकील से, तो अकील का एक खास मकाम है। हुजूर ने कहा कि एक तो मोहब्बत मुझे इसलिए है कि अबू तालिब को मोहब्बत थी, दूसरा मौला अली से कहा कि अकील का बेटा ए अली आपके बेटे की मोहब्बत में कत्ल होगा, इसलिए मुझे मोहब्बत अकील से। ये हुजूर मुकर्रम ने उस वक्त इरशाद फरमा दिया था, जब हजरत मुस्लिम ने अकील की विलादत भी नहीं हुई थी, कहा कि आप के बेटे की मोहब्बत में अकील का बेटा मारा जाएगा, मुस्लिम इब्न अकील, सुभान अल्लाह। तो अकील का खास मकाम, जाफर का उनका एक और मकाम है, जाफर तैयार। याद रखिएगा कि जब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया है ना, तो चाहे वो करबला में इमाम हुसैन हो, चाहे शाम में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हो, कोई खुतबा आप देख लें, जहां अहले बैत के तारुफ की बात है शुरू होता है, हम रसूल अल्लाह की औलाद में, फिर मौला अली, बीबी फातिमा, हजरत हमजा, हजरत जाफर, हसनैन करीमैन, ये है अहले बैत। तो वहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी फरमाया था कि अत्तय्यार, जाफर तैयार हम में से है। जाफर तैयार का बहुत अजीम शान मकाम है, अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम से तशबीह दी गई है कि जैसे जाफर तैयार को पर अता हुए, वैसे ही अब्बास अलैहिस्सलाम को पर अता हुए, बड़ा मकाम। और फिर अली, तो ये अबू तालिब के बेटे, जनाब मीर अनीस ने कहा, जो इनायात इलाही से हुआ नेक हुआ, चारों में जो इनायात इलाही से हुआ नेक हुआ, नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। मिल्क नाम बढ़ता गया एक के बाद एक। अल्लाह, तो अकील उसमें से नसाब थे, जीनियोलॉजिस्ट, जो अरबों की नस्लों के बारे में जानते थे, इसलिए कोई हजरत अकील के सामने अपने नस्ल की, अपने नसब की लन तरानियां नहीं हांकता था। अकील फौरन बता देते थे कि तुम्हारा बाप दादा क्या था, कौन सा कबीला था, कौन सी जंग में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वो सब अकील को पता था। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने अकील से कहा था कि इब्गनी इमरातन फुहूला, मेरे लिए एक शुजा खातून तलाश कीजिए, वो कबीला कि जिससे मैं इज्तिवाज करूं उस खातून से, तो मुझे मेरा एक वारिस मिल सके जो करबला में मेरे हुसैन का मददगार हो। हाँ, अच्छा, अकील कितने बड़े नसाब क्यों ना हो, कुल्ल शैइन अहसैनाहू फी इमाम मुबीन की आयत अकील के लिए नहीं, मौला अली के लिए नाजिल हुई है। तो फिर अकील से क्यों कहा मौला अली ने, जबकि खुद मौला अली से बढ़कर कोई आलिम नहीं है। तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि उसकी वजह यह थी कि मौला अली हजरत अकील के दिल और दिमाग में ये ख्याल इसी मशवरे के जरिए से डालना चाहते थे कि जब मैं इस सआदत को हासिल करना चाहता हूं कि मेरे पास एक बेटा हो कि जो हुसैन का मददगार हो,
तो आप भी एक बेटा उसकी परवरिश कीजिए ताकि वो भी हुसैन का मददगार हो। अली के यहां अब्बास की विलादत हुई, अकील के यहां मुस्लिम की विलादत हुई। करबला में जो शबीह है अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को शहीद है तो मुस्लिम इब्ने अकील है, सुभान अल्लाह। और शबीह अब्बास अलैहिस्सलाम कहना ये पहाड़ जैसी बात है, ये मेरे और आप में से किसी की हैसियत नहीं कि हम कहते हैं कि हम सबके सब अब्बास हैं। नऊज़ु बिल्लाह, कभी ये जुमला जो कह दिया जाता है कुल्लुना, हम सबके सब अब्बास। हबीब इब्ने मज़ाहिर अपने आप को अब्बास नहीं कह सकते, मुस्लिम इब्ने औसजा नहीं कह सकते अपने आप को, अकील के बेटे मुस्लिम क्यों शबीह अबुल फजल अब्बास है, इसलिए कि ज़ियारत वही है। करबला में अबुल फजल अब्बास की ज़ियारत करें, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालिह अलमुती लिल्लाह वल रसूल वल अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। हजरत अकील की ज़ियारत पर कूफा जाएं, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालिह अलमुती लिल्लाह वल रसूल वल अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन, सेम ज़ियारत। इतनी शबाहतें हैं ना मुस्लिम के, हजरत मुस्लिम ने अकील, अकील के फर्जन मुस्लिम में और मौला अली के फर्जन अब्बास में। एक तो दोनों की ज़ियारत सेम है, दूसरा यह कि मौला अली अलैहिस्सलाम के दामाद हैं मुस्लिम इब्ने अकील। तीसरा यह कि अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम के बगैर इमाम हुसैन का कोई जुलूस कोई मजलिस पूरी नहीं है। आपको जुलूस अज़ा में हो सकता है कोई तबर्रुक, मसलन झूला कभी है या कभी नहीं है, ताजिया कभी है या कभी नहीं है, आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई जुलूस यहां मेलबर्न के वहां एक दुनिया के सिरे से शुरू कीजिए, पूरा साउथ एशिया, यहां पाकिस्तान से लेकर आगे मिडिल ईस्ट, यूरोप, टोरंटो तक, जहां कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का जुलूस है, कुछ हो ना हो अब्बास के अलम के बगैर हुसैन का कोई जुलूस तसव्वुर ही नहीं है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम के बगैर भी कोई जुलूस हो जाए। आपने कहीं कोई दुनिया का इमाम बारगाह ऐसा नहीं देखा होगा कि जहां पर कम अज कम कोई एक अलम शबी है अलम अबुल फजल अब्बास सलाम ना लगाओ, ये तसव्वुर नहीं। जैसे अब्बास के अलम के बगैर हुसैन का कोई जुलूस या मजलिस पूरी नहीं है, वैसे हजरत मुस्लिम ने अकील की सुन्नत है जब करीब पहुंचकर सलाम ना कर सको तो दूर से कहो अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्लाह। जब मुस्लिम ने अकील की गर्दन पर तलवार चल रही थी, दारुल अमारा से फरमाया ए मौला आखिरी सलाम, ये जो दूर से सलाम करना है अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्लाह मजलिस के बाद, ये सुन्नत मुस्लिम इब्न अकील है। कोई आपसे पूछे कि आप दूर से कैसे सलाम करते हैं इमाम हुसैन को, आप कहें कि मैं सुन्नत मुस्लिम इब्न अकील पर अमल कर रहा हूं। मुस्लिम का मुकाबला है मुजरिम के साथ जी, ये फिक्रा जहन में रह जाए आपके। तो उस वक्त हजरत अकील के मुस्लिम की विलादत हुई, अब्बास आलमदार हुसैन, मुस्लिम है सफीर हुसैन। अजीजों मुस्लिम की वो शहादत है, अभी मैं मसाइब पर आ रहा हूं लेकिन मैं चाह रहा हूं कि बच्चों तक ये तारीख भी पहुंचे। मुस्लिम ने अकील की नस्ल खत्म हो गई, मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों में कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। चार बेटे हैं मुस्लिम इब्ने अकील के, एक बेटी है। मौलाना आपने कहा कोई भी नहीं बचा तो चार बेटे शहीद हो गए, बेटी भी, मुस्लिम की बेटी उन शहीदों में जो शाम गरीबा घोड़ों की टापों तले पामाल हुई। शहीदा ने करबला में जब जन्नत में हिसाब व किताब मैदान मैशर में होगा ना, तो जो सबसे ज्यादा फख्र करने वाली माएँ होंगी वो शहीदा ने करबला की माएँ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो माएँ कहेंगी कि हमारे बच्चे कुर्बान हुए थे हुसैन पर करबला में 10 मुहर्रम आशूर के दिन। इनसे ज्यादा बाफख्र माएँ कौन सी होंगी? उन माओं में से कोई माँ आके कहेगी कि परवरदिगार मेरा एक बेटा हुसैन के लिए मारा गया? कोई माँ कहेगी कि मेरे दो बेटे मारे गए, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, दो बच्चे मारे गए, फकत वाहिद बीबी रुकैया मुस्लिम इब्न अकील की ज़ौजा वो होंगी जो कहेंगी परवरदिगार मेरे पांच बच्चे, मेरे पांच बच्चे फातिमा के बच्चे पर कुर्बान हुए। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। असल मजलिस अज़ा यह है ही रोना गिरिया,
जो नर हो सके वो अल्लाह से दुआ मांगे कि परवरदगार मेरे दिल को तू इतना नर्म कर दे, तस्किया नफ्स हासिल हो जाए कि मैं हुसैन पर रो सकूं। कुछ गुनाह हैं ऐसे कि जिनकी वजह से दिल सख्त है और नहीं रो पाते, अल्लाह से माफी मांगे। हुकूकुल इबाद में से किसी का गस्प किया है उससे माफी मांगे ताकि दिल अल्लाह सुभान व तआला इस लायक बनाए कि हुसैन पर रो सके। कभी ऐसा नहीं है कि बाहर वाले के साथ कोई हक तलफी की हो, घर के अंदर शौहर ने जौजा के साथ, जौजा ने शौहर के साथ, राजी करें इंशाल्लाह। क्या खानवादा, मैंने भी क्या कहा था, शौहर और जौजा दोनों मिलकर अल्लाह के लिए जिए। हजरत मुस्लिम नकील और उनकी जौजा से बढ़कर कोई मिसाल नहीं है। मुस्लिम नकील और रुकैया बिनत अली, अली की बेटी है। दो बच्चे मुस्लिम के आशूर के दिन शहीद हुए, दो बच्चे मुस्लिम के वो हैं कि जो आशूर के दिन शहीद, दो बच्चे और वो हैं कि जो हमारे यहां पर एक तारीख पढ़ी जाती है कि वो मुस्लिम इब्न अकील के साथ थे और फिर जिंदान में डाल दिए गए, और एक तारीख रिवायत में ये भी है कि वो चारों बच्चे असल में मां के साथ थे, दो शहीद हो गए आशूर के दिन और दो शाम गरीबा बिखर गए। अब पता नहीं कि वो बच्चे कहां हैं। और चलते चलते जब पहुंचे मुसैब के मकाम पर, गिरफ्तार हुए वहां से और उसके बाद जिंदान में डाल दिए गए, और फिर जिंदान बान ने जब छोड़ा और पहुंचे उस मकाम पर के जहां पर उनकी शहादत हुई, आज भी मुसैब के मकाम पर तिफलान मुस्लिम का रोजा है और दोनों बच्चों की ज्यारत क्या है, अस्सलाम वालेकुम अय्युहल गरीबान इब्न अल गरीब, ऐ दो गरीब बच्चों जो एक गरीब बाप के बेटे हो, आप पर सलाम हो। एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है, एक 9 बरस का है, 11 बरस का है। इन दो बच्चों की ज़ियारत में एक फिक्रा यह भी है कि अस्सलाम वालेकुम अय्युहा ज़बीहान मिन नस्ल इस्माइल, कितना सख्त जुमला है ये, सलाम उन दो बच्चों पर के जो ज़बीह हैं, जिन्हें ज़बह किया गया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह है लेकिन इस्माइल को अल्लाह ने बचाया, गोसफंद आया था, लेकिन ये दो बच्चे इनके सर तन से जुदा हो गए, और वो भी इस कैफियत में जुदा हुए कि एक भाई कहता था कि मेरे सामने ना मार मेरे भाई। देखें जो इतने छोटे बच्चे हों तो सामने जानवर भी ज़िबा हो रहा हो तो बड़ी सख्त कैफियत होती है, चाहे कि भाई ज़िबा हो रहा है दूसरे भाई के सामने। एक हश्र बपा हो गया खंजर के तले पर, भाई ने गला रख दिया भाई के गले पर। आज मैं चाहता था कि खानवादे मुस्लिम अकील का जिक्र हो, बच्चों को पता चले हक है इस खानदान का, खुदा की कसम हक है इस खानदान का। 4 बच्चे शहीद और बेटी शहीद, घोड़ों की टापो तले पामाल शाम गरीबा। मुस्लिम इब्न अकील, वक्त नहीं बचा अब ज्यादा कि मैं तफसील में जाऊं, जब इमाम हुसैन के हुक्म से कूफा पहुंचे तो नमाज जब लोगों ने पढ़ी है ना तो एक एक सफ में हजार हजार लोग खड़े हुए थे, बसीरत नहीं उन लोगों में, जाहिरी चकाचौंध से आ गए। जब असल इम्तिहान का वक्त पड़ा तो चले गए, काश हम अपने इमाम वक्त के लिए अपने आप को नुसरत के लिए तैयार कर सके ना, हुब दुनिया बीच में ना आ जाए, लालच बीच में ना आ जाए, खौफ बीच में ना आ जाए, ये सब दर्स है हमारे लिए। 18 सफ़ें थी, हर सफ़े में हजार हजार लोग, कितने हो गए 18,000। जब आखिरी इशा की नमाज पढ़ाई है ना मुस्लिम ने तो 18 लोग भी नहीं थे, फकत एक शख्स था आखिर में जो फरार करने वालों में से, वो रुका, उसने अपने चप्पल को पहनते हुए मुस्लिम की नमाज खत्म हुई कहा मैं इसलिए रुका हूं कि आपको बता सकूं कि फला एक जगह है, उस जगह से आप अगर दीवार से चले जाएंगे तो कोई आपको देखने वाला नहीं होगा, आप कूफा से चले जाएं, ये कह के चला गया। वो भी मैंने अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकाम उनसे सुना कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की सबसे बड़ी फजीलत जानते हो क्या है, वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम इब्न अकील से ये कहा था कि आप कूफा पहुंचे, आपकी मसलहत समझे, आप मसलहत में तो सुलह करें, आप मसलहत में समझें तो जंग करें। यानी खुद इमाम मासूम हुज्जत खुदा लिसानुल्लाह नातिक यदुल्लाह वासिता आइनुल्लाह नाजरा हुसैन वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी आपके हवाले की। क्या शान है, क्या इमाम मासूम अपनी मर्जी का किसी को नुमाइंदा बना दे, आपकी मर्जी है, आप मसलहत में समझे सुलह करें, मसलहत में समझे जंग करें। आप मुस्लिम अकील तन्हा है, कूफा की गलियों में है, कूफा में उस वक्त हजारों औरतें रह रही होंगी लेकिन एक औरत ऐसी है कि जिसने मुस्लिम को पनाह दी है, अल्लाह ने उस बीबी का नाम जिंदा रखा है,
तौआ नाम है उसका। इमाम हुसैन का कोई असरा पूरा नहीं होता जब तक कि तौआ का जिक्र ना हो जाए। ये कितनी सीखने की बातें हैं यहां पर, एक इंसान के जो अपने आप को खलूस से इमाम हुसैन के लिए वक्फ कर दे। तो हजारों औरतों में उस वक्त जहां कोई किसी को पहचानने वाला नहीं, कूफा की एक गली में रहने वाली औरत का नाम आज 1400 बरस बाद भी जिंदा है। मुस्लिम नकील एक जगह आके बैठ गए, बस आप रो भी चुके हैं, मजीद गिरिए के लिए आमादा है, आके बैठ गए, खस्ता थे बहुत। एक खातून तौआ बाहर निकली, देखा कि एक मर्द है मेरे घर के सामने। मैं कहता हूं क्या कलेजे पर छुरियां चल गई होंगी। जब उस खातून ने यह कहा कि मैं एक इज्जतदार खातून हूं और एक नामहरम मर्द का इस वक्त मेरे घर के सामने बैठना अच्छा नहीं है। मुस्लिम ने लबाए मुबारक पर इशारा किया कि प्यासा हूं बहुत। वो अंदर से गई, पानी लेकर आई, पानी पेश किया, देखने लगी, अब तक गए नहीं मुस्लिम, का पानी आपने पी लिया, आप जाते नहीं। मुस्लिम ने कहा जिसका कोई घर ना हो वो कहां जाएगा। जिसका कोई घर ना हो वो कहां जाएगा। कहा अहले कूफा में से नहीं है, कूफा के रहने वाले नहीं है। कहा नहीं, कूफा का रहने वाला नहीं हूं। कहा देखो अगर कूफा के रहने वाले नहीं हो तो इसी वक्त, खातून ने नसीहत करना चाहिए, इसी वक्त ये शहर छोड़ के चले जाओ, आजकल ये शहर रहने के काबिल नहीं है। का क्यों? का इसलिए कि शहर में मेरे मौला हुसैन का एक सफीर आया है और सारा शहर उसके खून का प्यासा है। मुस्लिम ने पूछा कि उसका नाम मालूम है आपको? कहा मुझे मेरे मौला के सफीर का नाम कैसे ना मालूम हो। मुस्लिम इब्ने अकील, अकील का बेटा है, अपने सीने की तरफ इशारा किया, कहा अना मुस्लिम इब्ने अकील। क्या मजलूमियत है, सफीर हुसैन आका मुस्लिम इब्ने अकील अलैहि सलाम की आज करबला की पहली कुर्बानी का जिक्र है, जो मुहर्रम से पहले 9 ज़िलहज को कूफा में शहीद हुए, यहां से करबला की शहादतों का आगाज है। कदमों में गिरकर कहा अरे आप मेरे मौला के सफीर हैं, जल्दी घर में तशरीफ लाइएगा। अपने घर में ले गए, इसके घर में एक तहखाना था सरदाब, वहां जाकर छुपा के रख दिया, कहा आप यहां पर इबादत कीजिए। अब उस खातून का एक बेटा है जो अशअस नाम के एक दुश्मन अहले बैत से एक मर्तबा उनका इज्तिवाज हुआ था, तो वहां से एक बेटा था उसके खून में, वही दुश्मनी अहले बैत है। घर पर आया थका हारा, कह रहा है कि मैं मुस्लिम इब्ने अकील को ढूंढ रहा हूं, इनाम रखा है बहुत इब्ने ज़ियाद ने। थोड़ा सा शक हुआ कि माँ को छुपाना चाहती है, सरदाब में मुझे जाने नहीं देती। गौर किया, अंदर जाकर देखा एक जवान शख्स 40 साल का सिन लिखा हुआ है उसके करीब करीब का, मुस्लिम नकील इबादत में मसरूफ है। समझ गया कि ये तो मुस्लिम नकील वही है कि जिन्हें मैं अपने शहर में तलाश कर रहा हूं। गया, इत्तला दी, सुबह की ओर फौजें आई, इब्ने ज़ियाद ने फौजें भेजी हैं। मुस्लिम नकील ने लिबास शहादत पहना, अपने आप को तैयार किया, तलवार को हिमायल किया, बाहर जाना चाहते थे तो मोमिना ने कहा कि आप घर में रहकर यहीं दरवाजे से जिहाद फरमाइए, बाहर जाएंगे तो दुश्मनों में घिर जाएंगे। क्या ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि तेरी चादर महफूज नहीं रहेगी। अगर मैं घर में रहकर लड़ता रहा तो तेरी चादर महफूज नहीं रहेगी। मैं कहूंगा ए अकील के गैरतदार मुस्लिम, काश शाम गरीबा होते, हुसैन की बहनों के सर से चादरें छीनी जा रही थी। वो इम्तिहान जो मुस्लिम के लिए देना सख्त था, मेरा बीमार इमाम सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन कुर्बान में अपने मौला पर। बाहर गए, मुस्लिम नकील दुश्मनों में घेरे हुए हैं, धोखे से गिरफ्तार किया गया तारीख में, इसलिए कि मुस्लिम के लिए, ये फकत खिताबत में नहीं कह रहा, किताबों में लिखा हुआ है, सही किताबों में, कि मुस्लिम नकील पकड़ कर उन जालिमों को, उन बेहया फौजियों को पकड़ते थे, उठा उठा के दीवार पे मार रहे थे। ये शुजात है हैदर कर्रार गोया मुस्लिम में झलक रही थी। गड़ा खोदा गया, मुस्लिम वहां पर पहुंचे, ऊपर एक चादर बिछाई हुई थी, मुस्लिम उस गड़े में गिरे। फिर अल्लाह जाने कितनी तलवारें, कितने नैजे, कितने पत्थर हजरत मुस्लिम ने अकील पर पड़ते रहे, उनके होंठ कट गए थे, चेहरा कट गया था। मुस्लिम को गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया।
हाँ आप वक्फे वक्फे से रोते रहे, मैं चाहता हूँ तसलसल में मैं पढ़ता रहूँ बस मसाइब। इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया, किसी ने कहा कि अमीर को सलाम तो करो, का माली अमीर सिवल हुसैन, खबरदार मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे, होंठ कटे हुए थे, खून जारी था। बस यही सवाल है जो मेरे बीमार इमाम से किसी ने पूछा कि मौला मुस्लिम भी दरबार में आए थे और आप भी दरबार कूफा में गए थे, मुस्लिम कितने ही शुजा क्यों ना हो आपसे ज्यादा शुजा तो नहीं हो सकते, लेकिन मौला जब आप आए थे तो आपकी गर्दन झुकी हुई थी, आपकी कमर खम थी, आपकी नजरें उठती नहीं थी, मौला ये फर्क क्यों हो गया? इमाम ने कहा तूने ये तो देख लिया लेकिन ये ना देखा मुस्लिम आए थे तो तन्हा आए थे, मुस्लिम के साथ उनकी बहनें नहीं थी। सज्जाद जब दरबार में पहुंचे तो अली और फातिमा की बेटियां सज्जाद के साथ थी, जैनब का सर खुला हुआ था, सकीना को तमाचे लग रहे थे, सज्जाद अपनी गर्दन को उठाए तो कैसे उठाए? बुकैर बिन हुमरान के बाप को मारा था मुस्लिम इब्न अकील ने सुबह को, इब्न ज़ियाद ने उसी से कहा कि जा अपने बाप का इंतकाम ले, तेरे बाप को मारा ना मुस्लिम ने, जा बाप का इंतकाम ले, दारुल अमारा पर ले जा, सर तन से जुदा कर दे। वो गया और तलवार चलाना चाहता था, हाथ कांपे, वापस आ गया, कहता तलवार मैं नहीं चला सकता, क्यों? क्या इसलिए कि जैसे ही तलवार उठाता हूं तो रसूल अल्लाह का चेहरा सामने आता और रसूल अल्लाह अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मेरे मुस्लिम ने क्या खता की। इब्ने ज़ियाद ने कहा लगता है तेरा वहम है, गुमान है, वापस जा। ऊपर गया, इतने में मुस्लिम नखील जो कि दारुल अमारा पर थे ना, तो 9 ज़िलहज को शहादत है, 10 को ईद है, तो देखा कि कूफा के बाजारों में लोग नए नए लिबास खरीद रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। मुस्लिम ने उन कूफा वालों को मुखातब किया कि देखो कूफे वालों, कुछ दिनों बाद मेरे दो बच्चे यहाँ पर आएंगे, वो तुम्हारे मेहमान होंगे, उनका ख्याल रखना। मुस्लिम की गर्दन पर तलवार चलने वाली थी, दूर से कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन राह में थे खड़े हुए, वालेका सलाम या अखी मुस्लिम इब्न अखील। साहबियों ने कहा कि मौला ये आपने अचानक क्यों मुस्लिम को सलाम किया? कभी इस वक्त दारुल अमारा में मुस्लिम की गर्दन पर तलवार चली है, मुस्लिम ने दूर से मुझे सलाम किया है, मैंने सलाम का जवाब दिया। अजीजों बड़ी शबाहत है हुसैन में और मुस्लिम में, हुसैन भी शहीद, मुस्लिम भी शहीद, मुस्लिम भी गरीबुल वतन, हुसैन गरीबुल वतन। हुसैन का लाशा पामाल हुआ, मुस्लिम का लाशा जानते हो कैसे पामाल हुआ? जब कूफा से कुछ लोग आए, उन्होंने बताया हमने देखा था कि मुस्लिम की लाश के पांव में रस्सी बंधी थी और लोग मुस्लिम के लाशे को कूफा की गलियों में फिरा रहे थे। ये सारी शबाहतें जहन में आ गई, मुस्लिम भी प्यासे, हुसैन भी प्यासे, हुसैन का लाशा पामाल, मुस्लिम का लाशा पामाल। अब यहाँ रोने की बात है, मैं तमाम कर रहा हूं बात को, एक फर्क है, लेकिन फर्क ये कि जैसे मुस्लिम शहीद हुए ना, हुसैन ने कहा अब्बास जरा मुस्लिम की यतीमा को तो बुलाना, यतीमा को बिठाया, गोद में बिठाकर प्यार करने लगे। हमीदा उस बीबी का नाम है, फरमाया ए आका हुसैन आज तो ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को प्यार किया जाता है। हुसैन ने सीने से लगाकर कहा आज से तेरा बाबा हुसैन है, गोशवारे पहनाए। मैं कहूंगा ए मौला अगर सकीना ये मंजर देख रही है कुछ देर के लिए जुदा कर दीजिएगा। हमीदा यतीम हुई, हुसैन ने तसल्ली दी, सकीना यतीम हुई, शेमर ने तमाचे मारे, दामन में आग लगी हुई थी, गोशवारे छीन लिए गए, कानों से लहू बहता रहा। आखिरी फिक्रा कह दूं ताकि तिफलान मुस्लिम के लिए भी एक जुमला हो जाए। बस अजीजों बाद में तिफलान मुस्लिम को जब गिरफ्तार किया गया तो नहर के करीब ले गया था हारिस, उसने भी इन दोनों बच्चों के सर तन से जुदा किए, दोनों के लाशें नहर के हवाले कर दिए थे और दोनों का सर लेकर आया था इब्ने ज़ियाद के पास। अल्लाह अकबर। मुस्लिम की जौजा करबला में थी ना, जब वो आई दाखिल हुई तो देखा दारुल अमारा पर मुस्लिम का लाशा आवेजा है। सलाम किया, ऐ मेरे शहीद वाली आप पर सलाम हो, मैं पूछना चाहती हूँ कि दो बच्चे जो मेरे साथ थे वो मैंने कुर्बान कर दिए, दो बच्चे आपके साथ भी थे वो कहाँ पर हैं? माँ खबर चाहती है, मोहम्मद और इब्राहिम ऑन मोहम्मद करबला में मारे गए, उनके लाशें उठाने वाले तो थे लेकिन मोहम्मद और इब्राहिम का लाशा उठाने वाला भी कोई नहीं था।
सलाम उस मुस्लिम पर कि जिसकी यतीमा भी पामाल होती रही, जिसके बच्चे जिबा होते रहे। इमाम हुसैन पर जैसे दूर से मुस्लिम ने पुकारा था वैसे पुकारे, या हुज्जत अल्लाह अला खल्के, या सैयदना व मौलाना इन्ना توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام امام حسين بر يا وجيهنا عند الله اشفع لنا। और बेहतर ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए एक मर्तबा और सारे मिलकर इश्फ़ालना इंदल्लाह